नमो बुद्धाय। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। मुझे पहले भी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध से जुड़े दिव्य स्थलों पर उनसे जुड़े आयोजनों में जाने का अवसर मिलता रहा है और आज भारत के मित्र नेपाल में भगवान बुद्ध की पवित्र जन्मस्थली लुम्बिनी आने का ये सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। मुझे देखकर भी खुशी हुई कि स्थान के लिए 2014 में मैंने महाबोधि वृक्ष की जो सैपलिंग भेंट की थी वो अब विकसित होकर एक वृक्ष बन रहा है। साथियों, ये सांझी विरासत, ये सांझी संस्कृति, ये सांझी आस्था और ये साझा प्रेम, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और ये पूंजी जितनी समृद्ध होगी हम उतने ही प्रभावी ढंग से साथ मिलकर दुनिया तक भगवान बुद्ध का संदेश पहुंचा सकते हैं, दुनिया को दिशा दे सकते हैं। आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही है उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। भाइयों और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष हैं कि उन्होंने केवल उपदेश नहीं दिए बल्कि उन्होंने मानवता को ज्ञान की अनुभूति करवाई। उन्होंने महान वैभवशाली राज्य और चरम सुख सुविधाओं को त्यागने का साहस किया। निश्चित रूप से उनका जन्म किसी साधारण बालक के रूप में नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें यह एहसास करवाया कि प्राप्ति से भी ज्यादा महत्व त्याग का होता है। त्याग से ही प्राप्ति पूर्ण होती है। इसलिए वो जंगलों में विचरे, उन्होंने तप किया, शोध किया, उस आत्मशोध के बाद जब वो ज्ञान के शिखर तक पहुंचे तो भी उन्होंने किसी चमत्कार से लोगों को का कल्याण करने का दावा कभी नहीं किया, बल्कि भगवान बुद्ध ने हमें व
वो रास्ता बताया जो उन्होंने खुद जिया था, उन्होंने हमें मंत्र दिया था, अप्प दीपो भव भिक्खवे, अप्प दीपो भव भिक्खवे, परीक्षा भिक्षवो ग्राहम मद बचो नतु गौरवाद, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, मेरे वचनों को भी मेरे प्रति आदर के कारण ग्रहण मत करो, बल्कि उनका परीक्षण करके उन्हें आत्मसात करो। साथियों, भगवान बुद्ध से जुड़ा एक और विषय है जिसका मैं आज जरूर जिक्र करना चाहता हूं। वैशाख पूर्णिमा का दिन लुम्बिनी में सिद्धार्थ के रूप में बुद्ध का जन्म हुआ। इसी दिन बौद्ध गया में वो बोध प्राप्त करके भगवान बुद्ध बने और इसी दिन कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। एक ही तिथि, एक ही वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जीवन यात्रा के ये पड़ाव केवल संयोग मात्र नहीं था, इसमें बुद्धत्व का वो दार्शनिक संदेश भी है जिसमें जीवन, ज्ञान और निर्वाण तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ जुड़े हैं। यही मानवीय जीवन की पूर्णता है और संभवतः इसीलिए भगवान बुद्ध ने पूर्णिमा की इस पवित्र तिथि को चुना होगा। जब हम मानवीय जीवन को इस पूर्णता में देखने लगते हैं तो विभाजन और भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं बचती, तब हम खुद ही वसुधैव कुटुंबकम की उस भावना को जीने लगते हैं जो सर्वे भवन्तु सुखिन से लेकर भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम के बुद्ध उपदेश तक झलकती है। इसलिए भौगोलिक सीमाओं से ऊपर उठकर बुद्ध हर किसी के हैं, हर किसी के लिए हैं। साथियों, भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वहां सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। और हम तो जानते हैं हिंदुस्तान में कई नगर ऐसे हैं, कई शहर, कई स्थान ऐसे हैं जिसको लोग बड़े गर्व के साथ उस राज्य के काशी के रूप में जानते हैं। भारत की विशेषता रही है और इसलिए काशी के समीप सारनाथ में मेरी आत्मीयता आप भी जानते हैं। भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी सांझी विरासत और सांझे मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है और आगे समृद्ध भी करना है। साथियों, भगवान बुद्ध का कथन है, सुप्पबुद्धम प्रबज्जन्ति सदा गौतम सावका, एसम दिवाच रत्तो च भावनाए रतो मनो, अर्थात जो हमेशा मैत्री भावना में
सद्भावना में लगे रहते हैं। गौतम के वे अनुयायी हमेशा जागृत रहते हैं, यानी वही बुद्ध के वास्तविक अनुयायी हैं। इसी भाव को लेकर आज हमें पूरी मानवता के लिए काम करना है। इसी भाव को लेकर हमें संसार में मैत्री भाव को मजबूत करना है। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर से वैशाख पूर्णिमा की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय